पर मारवाड़ लिखा हुआ था दांत अजर चीना को चीना अजर दांत कौन सा। बिल्कुल सही बात कह रही है। और आज की लंपी नाम की बीमारी आई है, मेरे बारे में आप लोग कहीं कहना है कि ओ मन को अभी बंची नहीं बंची भाई, दवाई पूरी यो तो बंची नहीं देना भाई, कोरोना में मिन की को बंची तो गया रो आदो तो को बंचे नहीं सही दूर कर जो। आभार मैं हूं महापति महादेव गौशाला संस्थान नांदिया और इस गौशाला मैंने आज वृक्षारोपण हो रही है, खूब लोग आयोड़ा है, कई स्कूल रहा बच्चा आयोड़ा है, तो किसी भी स्कूल रहा बच्चा आयोड़ा है पेड़ लगाने वास्ते, और 1000 पेड़ लगाने की प्लानिंग है, तो अभी कितना पेड़ लगा चुका है, बहुत सुंदर वीडियो है। और आप भी चाहो कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाना, तो आप ही वीडियो ने शेयर जरूर कर जो। और आओ मैं आपने गौशाला मैंने आवाज की गोमाताएं हैं बे और मैंने चरण ने ग्योड़िया और बिर कने भी जो को ग्राउंड है और तैयार करियो है पेड़ पौधा लगाने वास्ते, तो सब हूँ तकड़ो सहयोग पौधा रोपण वास्ते दलीप गोदारा रे तरफ हूँ बहुत बढ़िया सहयोग रही हो। अच्छा और कई नाम है? दलीप गोदारा। और कई सहयोग रहे मैन आप रे? सर हर कोई भाग दौड़ करने वास्ते जैसे पेड़ लाने रे वास्ते पेड़ लगाने वास्ते कटू टैंकर लानो है, अच्छा कोई बच्चा ने फोन भी करना है, स्कूल वाला ने फोन भी करना है, साइड में कोई ने फोन भी कर बुलाना है इन वास्ते, और देखभाल भी पौधा रही आज 10 दिन हूँ हाजरी में हाजिर है दलीप गोदारा। यूं भी कहवे कि पैसों देना हो रहा है पर सेवा करनी दो बहुत दौरी है सर। हाँ पर मारवाड़ी कहवे तो दांत अजर चीना को चीना अजर दांत कौन सर। बिल्कुल सही बात कह रही है। और जाकर पांचा राम जी जाकर और गाँव की आप धनारी कला धनारी कला, तो जो बच्चा खूब आया है तो बच्चा किसी स्कूल में आयोड़ा है? ये बच्चे धनारी कला उच्च माध्यमिक विद्यालय सनराइज उच्च माध्यमिक विद्यालय धनारी कला और शारदा माध्यमिक विद्यालय नांदिया कोड, इनके शिक्षकों से मिलकर के मैंने बात की थी कि अपने जैसे गौशाला है महापति महादेव भोमिया जी गौशाला किरण नाडी नांदिया खुर्द, तो उसके अंदर 1050 पौधा लगाने का हम सभी ने मिलकर के एक टारगेट रखा, उसमें 750 पौधे आज तक लग चुके हैं और आज 350 पौधे और लगाएंगे। तो जो जो आप बात कर रहे हो कि 1000 पेड़ लगाने का टारगेट है, तो 1000 पेड़ आने पर सुरक्षित रखने का ही प्रबंध करियो, क्योंकि पेड़ तो खूब लोग लगावे लेकिन बने छोटे बड़ा करने वास्ते बड़ी परेशानी आवे, और सुरक्षा वास्ते आप का इंतजाम करियो? सुरक्षा के लिए यहाँ 15 बीघा ये जमीन है, इसकी एक मेड़ लगा दी और इसके बाहर खाई भी लगा दी, और फिर दो आदमी यहाँ 24 घंटे निगाह रहने के लिए रहते हैं, और यहाँ अभी मैनेजर है व्यवस्थापक गौशाला के रामू राम जी संभाल रहे हैं, तो रामू राम जी भी अपनी 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। तो इन 1050 पौधों में कुछ पौधे ऐसे औषधि युक्त भी है, जो अभी एक लैम्पी नाम की महामारी चल रही है उसकी देसी दवाई के रूप में भी वो पौधे काम आएंगे, तो हो सके इस महामारी से अच्छा बचाव हो सके, प्रत्येक आदमी घर से बाहर निकल करके अपना कुछ योगदान गायों के लिए दे तो ये बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही है। एक यूं बताओ जो आप 1000 पेड़ बड़ा करने वास्ते खर्चो भी खूब लगेला, हाँ। और इरो कहीं आप व्यवस्थाएं करी है या इसमें मैन सहयोग कौन कर दिया है? इसमें थोड़ा थोड़ा सभी से मिलकर के जन सहयोग करेंगे। जन सहयोग से लगाएंगे। आप रो शुभ नाम कहीं है? हमारा नाम पांचा राम जाकर है। पांचा राम जी जाकर, जाकर। और आपकी जगह गिरा जो अपन गौशाला में सिर्फ सामने वो घर दिख रही है हमारा जागरण की डाणी धनारी कला धनारी कला तो आप साथ पधारी जोड़ा हो तो आप गांव भी धनारी है? नहीं सर लवेरा कल्ला। सर लवेरा कल्ला, हाँ सर। और अच्छा आप भी पेड़ लगाना आए जोड़ा हो? बिल्कुल सर, मैं शारदा बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय नांदिया खुर्द के अंदर पिछले 10 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ, और वहाँ से जब मुझे ये जानकारी मिली कि भाई इस प्रकार का अभियान गाँव वाले मिलकर के चला रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी हमारा थोड़ा बहुत योगदान दे सके। और आप जो शारदा विद्या मंदिर मैंने नांदिया में पढ़ा दिया हो तो किस सब्जेक्ट पर आप अध्ययन कराया करो? मैं सामाजिक अध्ययन पढ़ाया करूँ। सामाजिक जुड़ियोड़ो भी आपने ध्यान है कि पर्यावरण संस्कृति है जो कि जुड़ियोड़ी है, तो आप पर्यावरण के प्रति लोगों ने जागृत करने वास्ते कहीं कहने चाहो? बिल्कुल, लोगों ने हमेशा इन प्रति मतलब ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया करे गाँव रहा भी, तो मैं भी बिन माने शामिल हुआ करा, और लोगों ने सामाजिक सरोकारों जुड़ियोड़ा जो भी मुद्दा है उन प्रति हमेशा जागरूक करा, और पर्यावरण बचाने वास्ते तो विशेष तौर हुए जिन प्रकार अबार पिछले साल पर कोरोना महामारी आई तो भी लोगों ने जो इन बारे में जागरूक करने का प्रयास किया विद्यालय तरफ, और अबे भी है तो लंपी नाम जी की बीमारी आयोड़ी है, तो बच्चों ने और लोगों ने जो बार बार इन बारे में बता रहे हैं उपचार वगैरह कि भाई लंपियों अपने पशुधन को कैसे बचाया जाए, और पशुधन जो भी पर्यावरण से सभी जुड़े हुए हैं हम लोग सब एक दूसरे से, तो हमारा पर्यावरण अगर सुरक्षित होगा तो इस प्रकार की बीमारियां हैं जो अपने आप नहीं आएगी, इसीलिए पहला अपना जो दायित्व होगा हमें पर्यावरण बचाना, और इसीलिए इस पर्यावरण को हम भागीदार बन रहे हैं। सुंदर बात कह रही है। और आप शुभ नाम कहिए? रघुनाथ मल पुष्करना।
बढ़िया बाबा जी, आप भी पेड़ पौधा लगाऊं आयोड़ा हो? हाँ, पेड़ पौधा लगाऊं आयोड़ा हो। आप शुभ नाम का ही है? गोवर्धन राम जी। गोवर्धन राम जी, और गांव किसो है? नांदियो। नांदियो गांव। हाँ। तो आप रे अट कितना पेड़ लाग रिया है? पेड़ तो घटा को जी 1000-1200 लाग। आज रे दिन आपने कहा है की थोड़ा एक दिन पहले कोरोना बीमारी आई और अब गौ माता रे धन पशु धन रे महीने आज की लंपी नाम री बीमारी आई है, मेरे बारे में आप लोग कहीं कहना है कि ओ मन को अभी बंची कि नहीं बंची? भाई दवाई पूरी यो तो बंची नहीं देना भाई, कोरोना में मिनी की को बंची तो गाय रो आदो तो को बंची नहीं को बंची नहीं। सही कह रिया। और कोरोना महीने मिनका ने कोरोना बीमारी लागी जना मिने खूब हेल्प करी लोगों ने और खूब सहायता हेल्प अड्डे करी बाहर लगाओ में जगत बंजिया सब को ने किया जा को बंजिया ने जगत है कि मुंडा बहन बन आया। बिल्कुल सही है। गांव गांव रे मैंने वातावरण शुद्ध होबिर कारण मैंने ज्यादा बंजिया और शहर में प्रदूषण ज्यादा। सही जीओ आम पब्लिक गए गाया ने भाई सेवा सांतरे करी जनत बंजी ने नादा पूरा उगा बाप के और तो कहीं हो। और बाबा जी देखो कितने मनु कह रिया है कि गाया री सेवा हुई और मैंने बचाई जना गाया बंच बंच ने ना गाया री आज दिन पूरी स्थिति है मोली है सर। मोली मोली है। आप रो शुभ नाम का है? हुकमा राम। हुकमा राम जी, और आप रो किस गांव है? गांव नांदी। नांदी गांव है। तो ये जिन दिन पेड़ पौधा लगा रिया तो आप हमेशा पेड़ लगाओ जना आओ? बिल्कुल आओ सर, बिल्कुल आओ। और आप रो मेन अट गांव में कई काम रिया करे? काम तो मैं खेती बाड़ी वालो ही है। खेती बाड़ी खेती जो अबे ए पेड़ लगा रिया है साइड में इतनी बड़ी खाई करी है पशु धनु बचाने वास्ते आ पेड़ा ने, तो आप बताओ नी छोटो पेड़ ने मोटो करने वास्ते कितु जोर पड़े? और हाँ जोर तो पड़े ही ऐसा बस इनमें रक्षा राखनी पड़ी, दो आदमी रहना पड़ी, बालकरो पड़े जीतो बालकरो पड़े जीतो पौधे ने मोटो करनो पड़ी। तो इन पौधे में कोई मोटो करवान चाहे पेड़ ने पेड़ मोटो बराबर ने हिम्मत करनी पड़ी। आपरो काई नाम है? गोवर्धन तरड। गोवर्धन जी तरड, और गांव किसो है? बासनी तरडा। बासनी तरडा गांव है। आप जके स्कूल रमेन पढ़ो, ई स्कूल रो काई नाम है? सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनारी कला। और कितनी में पढ़ाई करो आप? 11th क्लास। अच्छा 11th क्लास में पढ़ो। ई स्कूल में कितने टाइम पढ़ाई करो? 2 साल। अच्छा 2 साल। 10वीं आप ई सनराइज स्कूल में? हां और 11th। अच्छा 11th। आप रे 10वीं रमेन कितना परसेंटेज बनया? 92। अच्छा 92% बनिया। और अब देख रहे हो देखो बच्चा आयोड़ा है पौधा लगाने वास्ते और बहुत सुंदर। महेंद्र पचार। महेंद्र पचार, और किस गांव में? मोरनावड़ा सोयला के पास। मोरनावड़ा गांव में। अभी सेम स्कूल में पढ़ो? हाँ सनराइज। अच्छा सनराइज में। कितनी में? 11वीं। अच्छा 11वीं पढ़ो। आप रे भी 10वीं में कितना परसेंटेज बनिया? 87। अच्छा 87। कुल मिलान सनराइज स्कूल में सब होशियार होशियार टाबर पढ़ रही हूँ। हाँ सब एक से एक बढ़कर। का नाम सुख जी पचार। और सुख जी कहीं धंधो करे? खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी करे। आप भी कहीं पेड़ लगाऊं आया हुई? बिल्कुल सर। अच्छा और आप साथ है छोटा छोटा बच्चा? दोनों लड़का है अपन। अच्छा आने भी पेड़ लगाऊं लेने आया हूं। बहुत बेटा का नाम है? सुरेंद्र। सुरेंद्र नाम है।